सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच हुई एक अनूठी सहयोगी पहल के साथ इंटेल NI, IIT हैदराबाद और CSR महिंद्रा और NMC द्वारा शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते आई रास्ते का शुभारंभ किया गया। शहर में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में इजाफा होता देखा जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु इंटेल, INAI, IIT हैदराबाद, CSIR, CRRI, महिंद्रा और NMC की ओर से आई रास्ते प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। शहर में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी आए इस उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए सांसद विकास महात्मे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 38 वर्ग आयु के लोगों की मृत्यु ज्यादा होती है, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट के कारण कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी या वो पूर्णतः बंद हो जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन जताया। करीबन एक साल में, अभी एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक साल में करीबन 1.5 लाख लोगों का मृत्यु हुई, बहुत बुरा हुआ और हमने उसके लिए काफी मेहनत भी की। लेकिन यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि 1.5 लाख लोग पिछले कई सालों से, उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक साल में एक्सीडेंट की वजह से मौत हो रही है, रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हो रही है। और इनका जो एज ग्रुप है वो करीबन 18 से 35 साल का है, और जो बहुत एक्टिव है, पॉलिटिशियंस भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो जो रोड पर आना जाना करते हैं उनमें यह प्रमाण जाता है। तो इसे हम पहचानें और इस पर काम करें, इसलिए ये सभी लोग साथ में आए इंटेल। इस अवसर पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वायु जल प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से काम किया जा रहा है। नाग नदी को साफ करने की दृष्टि से 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। वही वायु प्रदूषण कम हो इस उद्देश्य से मनपा की कुछ बसों का CNG बसों में रूपांतरण किया गया है। मनपा के परिवहन सभापति ने अपनी निजी गाड़ी का CNG में रूपांतरण करने की उन्होंने जानकारी दी। साथ ही मनपा के अपर आयुक्त दीपक कुमार मीना को कहा कि मनपा के सभी अधिकारियों को भी ऐसा करने का आह्वान करें। आगे बात करते हुए गडकरी बोले कि शहर में जितने भी ब्लैक पैचेस होते हैं उनकी जानकारी मनपा, NIT और पुलिस को होती है, हालांकि फिर भी इस दिशा में तीनों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मनपा, NIT और पुलिस प्रशासन पर अपनी नाराजगी जताते हुए गडकरी ने कहा कि तीनों में भी कोई तालमेल नहीं दिखता। अगर कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना क्यों हुई इसका भी निरीक्षण नहीं किया जाता। नागपुर में हो रही है और नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। सांसद होने के नाते हमने नागपुर के लिए कुछ बातें तय की है, विशेष रूप से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इसमें भी भांडे साहब आपका मेरी का हमें सहयोग चाहिए। हमें तीनों को भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स के साथ हम उसको नागपुर को पहुंचाना चाहते हैं, और तीनों बातों पर हमने काम शुरू किया है। विशेष रूप से नाग नदी जो थी नागपुर की, उसके ऊपर 2400 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट थी, जिससे नागपुर के वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम निश्चित रूप से हम सुलझाएंगे। और पहली बार देश में जो गंदा पानी, सुवेज वाटर था, इसको रिसाइकलिंग करके हमारी महानगर पालिका पावर जनरेशन के लिए दे रही, जिससे 325 करोड़ हमको रॉयल्टी के रूप में उस पानी से मिलता है। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पानी से मीथेन निकाल कर BioCNG करने की कोशिश चल रही है। अब मैं और आगे जाकर, ये कमिश्नर साहब से मैंने चर्चा की है, सीवेज वाटर का कन्वर्शन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में उसको कैसे हमारे उत्पादन में करें, सोलर पावर का उपयोग करके इस गंदे पानी को हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके द्वारा, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके हम शहर का ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हमारी जो डीजल की, हमारे परिवहन समिति के अध्यक्ष यहाँ है उपस्थित, और हमने अभी डीजल की जो बसेस थी करीब 125 बसेस CNG पर कन्वर्ट की है,
चार दिन पहले मैंने इनकी भी गाड़ी सीएनजी पर कन्वर्ट की। नागपुर महानगर पालिका में अगर हम लोग पेट्रोल की पूरी गाड़ी अगर सीएनजी पर कन्वर्ट करती है तो मीना साहब हम 1 करोड़ रुपए साल का पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। हमारी बचत कम से कम 50 से 60 लाख रुपए महीने में हो सकती है। गडकरी बोले कि सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा होना और नागपुर शहर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आना ये मनपा एनआईटी पुलिस प्रशासन के साथ मेरी नाकामयाबी को दर्शाता है। स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। शहर में हर साल लगभग 1500 सड़क दुर्घटना होती है और 250 लोग मरते हैं। क्रैश सर्वेबिलिटी इंडेक्स नागपुर में यह 2018 में 21.22 था, 2019 में 24.83 है और 2020 में 70.70 यानी बड़ा है। जबकि कोविड में सब जगह एक्सीडेंट कम हुए हैं, मरने वालों की संख्या भी नागपुर में ये बड़ी है, ये मेरे से लेकर ये जितने अधिकारी हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। इसको बहुत सीरियसली हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो 3 वर्षों में क्रैश सेवरिटी जो है इसमें प्रति 100 दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।